आज की रिक्रूटमेंट जो निकल के आ रही है दोस्तों, वो निकल के आ रही है डीआरडीओ में, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। और यहाँ पे आप डिसिप्लिन की अगर देखोगे तो यहाँ पे लगभग सभी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले एलिजिबल है, साथ में जो आईटीआई वाले हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे ये आपका एक अप्रेंटिसशिप जॉब रहने वाला है, जिसके लिए आपको एक मंथली स्टाइपेंड पे किया जाएगा, जो कि अच्छी खासी है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा। जो डिप्लोमा बीटेक डिग्री वाले, आईटीआई वाले, ये सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए यहाँ पे पोस्टें निकल के आ रही है। तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अप्रेंटिसशिप जॉब को एज ए एक्सपीरियंस काउंट कर लेती है। तो अगर डीआरडीओ में अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो कहीं ना कहीं वो काम आपकी आ जाएगी आगे चल के। तो खाली बैठे हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। कहाँ से कैसे यहाँ से नोटिफिकेशन को रीड करना है, मैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के आप लोग को समझा दूंगा, कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दूंगा। इससे आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए आता रहता हूँ। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एवरीडे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी। तो गाइज, अनअकैडमी गेट और ईएससी एस्पिरेंट्स वालों के लिए लाया है अनअकैडमी गेट चैंप्स, जहां पे आप फ्री में टेस्ट देते हो और टेस्ट में अगर आप अच्छा करते हो, अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स जैसे प्रकाश सर, शोभित सर, दुष्यंत सर, जसपाल सिंह सर, विवेक सर, अभिषेक सर, इन सभी के द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगा। क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए, कैसे आपको एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है, इस पे आपको मेंटर किया जाएगा। तो याद रहे, इस फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 24 अक्टूबर को 10 बजे से ये टेस्ट देना है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। और फ्री अनलॉक कोड जो कि है सिविल CIVIL, इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हो, इस टेस्ट को आप फ्री में दे पाओगे, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। इसके साथ ही अनअकैडमी ने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 के एस्पिरेंट्स वालों के लिए एक न्यू सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जो कि 4 मंथ्स का है और वो आपको डिस्काउंटेड ऑफर में मिल जाता है 17,999 में। और अगर आप मेरा कोड CIVIL सिविल को यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है इस पे। अनअकैडमी गेट एस्पिरेंट्स 2023 वालों के लिए बैचेस स्टार्ट करने जा रही है, जिसका नाम है वर्ब। और आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करके ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के साथ खुद की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है 20 अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर से। और यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के साथ, जिसको लेने वाले हैं प्रवीण कुलकर्णी सर, दोपहर में 1 बजे से। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट लाइव देने को मिलते हैं और आप यहाँ पे कम्पीट करते हो ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें आपको पहले ही पता चलता है कि आप ऑल ओवर इंडिया में किस जगह पे खड़े हो, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को और अच्छे से वहां पे सही कर सको। तो यहाँ पे इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड CIVIL सिविल, इस कोड को आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। तो मौका जाने हाथ से ना दे और इस 10% इंस्टेंट डिस्काउंट को आप जरूर से जरूर ले लें। एनरोल करने का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से जाइए, कूपन कोड को अप्लाई कीजिए और इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दे। तो ये है डीआरडीओ का ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया है, नोटिफिकेशन का भी, वेबसाइट का भी, ताकि आप वहां से डायरेक्ट जाके यहाँ पे आ सको, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार खुद से भी चेक कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, आपको यहाँ पे करियर्स लिखा हुआ मिल जाता है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का न्यू पेज यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगा, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और जितने भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाले गए हैं वो सभी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप इन ITR चंडीपुर, ये आप लोग के लिए निकाला गया है, जिसका लास्ट डेट यहाँ पे 15 नवंबर 2021 है। एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के लिए आप यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगा, मैंने पहले से खोल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके रखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेजुएट डिप्लोमा और ITI वाले सभी यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन साफ साफ किया गया है। कुछ भी आपको क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया गया है, इस पर आप बात कर सकते हो, या ये ईमेल आईडी दिया गया है, इस पर भी आप मेल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हो। चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे बीटेक वाले एलिजिबल है। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए देख लो, यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है 11, और कंप्यूटर साइंस में अलग अलग यहाँ पे
अगर इक्विवेलेंट ये आपने बीबीटी किया हुआ है इस डिसिप्लिन में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। जैसे देख लो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसे ही ये सारे हैं। तो मैं आपको बता दिया जो आईटीआई और कंप्यूटर साइंस किए हुए हो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किए हुए हो, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये सभी यहाँ पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स इन रोबोटिक्स तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे देख लीजिएगा आपके इक्विवेलेंट वाली यहाँ पे अगर डिसिप्लिन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, सिविल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी साइंस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बीबीए कोर्स है, यहाँ पे बीकॉम वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, आप चेक कर लेना। तो ये हो गई ग्रेजुएट वालों के लिए। अब बात करते हैं डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा भी सेम यहाँ पे सीएस और आईटी वाले, कंप्यूटर साइंस वाले और आईटी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ईसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सिनेमेटोग्राफी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, टूल इंजीनियरिंग, ये सभी वाले यहाँ पे एलिजिबल है। होटल मैनेजमेंट में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके बाद आईटीआई आप देख सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंटेनेंस ऑफ ड्राइवर्स, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर में, अगर इन सब में अगर आपका आईटीआई है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। लेकिन जो एफिलिएशन होगा वो आप देख लीजिएगा, एनसीबीटी के तहत होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। ठीक है, तो ये हो गई ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात। तो ये टोटल हो गई आपकी पोस्ट की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको 9000 पर मंथ मिलता है, डिप्लोमा हो तो 8000 मिलेगा, और आईटीआई वाले हैं तो उन लोग को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है जो 7000 के आसपास आपका रहेगा, 6 से 7000 आपका यहाँ पे रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको नेट्स पोर्टल जो कि www.mhrdnets.gov.in पे खुद को रजिस्टर कर लेना है, और अगर आप आईटीआई वाले हो मतलब जो बी बीटेक डिप्लोमा वाले थे उनको रजिस्टर करना होगा इस नेट्स पोर्टल पे, और जो आईटीआई किए हुए हो उन लोग को यहाँ पे रजिस्टर करना होगा खुद को apprenticeshipindia.org पे, यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप देख सकते हो जो यहाँ पे बीबीए और बीकॉम कैंडिडेट हैं उन लोगों को कोई भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जो यहाँ पे 2019-2020-2021 में पास आउट स्टूडेंट हैं वही यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, 22 वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन की डिग्री है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। मान लीजिए आपने बी बीटेक किया हुआ है, एमटेक भी किया हुआ है, लेकिन आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद जो रेगुलर कैंडिडेट है वही सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जो कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम कैंडिडेट है वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये भी यहाँ पे मेंशन है। साथ में अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, कहीं से आपने अगर अप्रेंटिसशिप ऑलरेडी कर चुका है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। 1 साल का ये अप्रेंटिसशिप आपका यहाँ पे रहने वाला है, और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी वो इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है, जो कि वर्चुअल मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। अप्लाई कैसे करना है तो देख लीजिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो https.rac.gov.in, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाओगे तो 1 नवंबर से सुबह 9 बजे से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अभी इसके एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अभी नहीं आई है, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा 1 नवंबर से, और ये चलेगा आपका 15 नवंबर तक, याद है क्या? तो आपको 15 दिन का मौका मिलेगा इसको अप्लाई करने के लिए। तो पहले आप जल्दी से इसको क्या कीजिए कि नेट्स पोर्टल पे पहले आप खुद को रजिस्टर कर लीजिए, वहाँ पे कुछ दिन लगते हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो 1 नवंबर से आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन आपकी होने वाली है उसी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, आपके मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो सिलेक्शन हो जाएगा उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में होने वाला है, वर्चुअल मोड में होने वाला है, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन लोग का सेम। ठीक है, ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आई होप मैंने आपको ऑलमोस्ट आज यहाँ पे कवर कर दिया है, फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये वेबसाइट पे जाकर आपको कहाँ पे ये फॉर्म मिलने वाला है। तो चलिए जैसे ही आप जाओगे देख लो, ये वेबसाइट है rac.gov.in, ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आना है। और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट ये लिखा हुआ है, इसी लेटेस्ट के यहाँ पे अभी देखिए कोई और दूसरा दिखा रहा है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, दिल्ली इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, ये वाला भी दिख रहा है। जब ये 1 नवंबर आएगा तो आपको यहीं पे ये दिख जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, यहीं पे आप एडवर्टाइजमेंट को भी रीड कर पाओगे, अप्लाई ऑनलाइन के लिए भी यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, खुद को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद वहाँ से इजीली आप अप्लाई कर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है,
फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे उस समय कमेंट में आप लोग पूछिएगा, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा उस वक्त भी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया है। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूँ, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूँ। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।